वेलकम बैक क्लास 10 एंड टुडे इट्स डिग्निटी ऑफ वर्क हमारा तीसरा 2.1 का ये जो लेसन है ये काम की अजमत के बारे में है। इसकी स्टोरी के तीन मेन कैरेक्टर्स हैं, एक है अनायत, एक है अख्तर, एक है रुखसाना। अख्तर और रुखसाना बहन भाई है और अनायत इनके अंकल है। कहानी का आगाज ऐसे होता है, जो अख्तर नामी लड़का है वो आज स्कूल से लेट आया हुआ है एंड ही इज लुकिंग अनटाइडी, वो गंदा है, मतलब उसके कपड़े साफ नहीं है, एंड ही इज लुकिंग क्रॉस टुडे और थोड़ा सा डाउन है। उसकी तबीयत और उसका मूड जो है वो डाउन हो गया है, ही इज लो टुडे। होता क्या है, जब उसकी माँ उसे गंदे कपड़ों में देखती है तो वो उससे पूछती भी है कि व्हाट हैपेंड माय सन, लेकिन वो रिप्लाई नहीं करता। हर बंदा सरप्राइज होता है इसको देख के कि आज क्यों क्रॉस नजर आ रहा है, व्हाई इज ही डाउन टुडे। ऐसे ही फैमिली लंच के लिए बैठती है तो उनका जो फेवरेट अंकल है जिसका नाम अनायत है वो आज इनके घर तशरीफ लेकर आए हुए, एंड एवरीबॉडी इज वेरी वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी क्योंकि उनके फेवरेट अंकल अनायत उनके घर तशरीफ लेकर आए हैं। इस अनायत जो अंकल है इनकी खसूसियत ये है कि ये मुख्तलिफ कंट्रीज में घूम के आए हैं और ये सैर सपाटे वाला बंदा है, एंड ही इज एक्चुअली अ टूरिस्ट। और फिर वो जब अपने घर आते हैं तो वो कहानियाँ जो ये बाहर ममालिक में देख के आते हैं, इंटरेस्टिंग स्टोरीज अपने फैमिली को सुना रहे होते हैं। जैसे ये लंच के लिए बैठते हैं तो रुखसाना अंकल के गान में कहती है कि अंकल आज अख्तर लेट भी आया है और खुश भी नहीं है, और हम उससे पूछ रहे लेकिन वो कुछ बता नहीं रहा। तो आप अंकल इनायत अख्तर से पूछते हैं कि क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू यू। अख्तर कहते कि अंकल आज मैं इसलिए उदास हूं क्योंकि हमसे स्कूल में सफाई करवाई गई, हमसे वो काम करवाया गया जो सर्वेंट का काम था। ये देखो टीचर ने सारे कपड़े जो है डस्ट से गंदे कर दिए मेरे, हमने कबर्ड भी साफ किए, हमने बोर्ड भी साफ किए, हमने डस्टबिन भी साफ करवाए। तो अंकल इनायत उनको कहते हैं कि इज इट द वर्क दैट You are unhappy for? यही काम है जिसकी वजह से तुम अनहैप्पी हो। तो अख्तर कहते हैं Should I not be unhappy? If somebody made me to dust, मुझे क्या नाखुश या सेड या गमगीन नहीं होना चाहिए अगर कोई मुझसे सफाई करवाए। अंकल इनायत उनसे पूछते क्या तुम्हारे टीचर ने कोई काम किया? तो अख्तर कहते हैं हाँ, जब हमने क्लासरूम से डस्टबिन और डेस्क को निकाले तो हमारे टीचर ने वहाँ पर झाड़ू दी और उन्होंने भी सफाई की, और यहाँ तक कि हमारे हेडमास्टर ने भी बाथरूम साफ किए, जिसकी वजह से हम सब थोड़े से शर्मिंदा भी हुए। अंकल इनायत कहते हैं यार क्या ये शर्मिंदगी की बात है कि जो गंदगी हम खुद करते हैं उन्हें हम साफ करें? अख्तर कहते बट आप सोचे कि एक हेड मास्टर स्कूल का वो बाथरूम साफ कर रहे, क्या ये स्वीपर को बंगी को नहीं करना चाहिए? अंकल कहते कि क्या ये बंगी मखलूक नहीं है, क्या ये इंसान नहीं है? अख्तर कहता है यस फॉर श्योर दे आर ह्यूमन। अंकल क्या ये जो सर्वेंट होते हैं, ये जो खिदमतगार होते हैं, स्वीपर होते, क्या ये हमारी तरह लोग नहीं है? अख्तर कहते हैं यस दे आर, आई शुड से दे आर, बिल्कुल वो हमारी तरह है। फिर अंकल कहते हैं कि फिर हमें इनके साथ वो सलूक करना चाहिए जो हम खुद अपने साथ करना पसंद करते हैं, या उनसे वो काम करवाने चाहिए जो हम खुद भी कर सकते हैं, और कभी कभार उन कामों को करने की कोशिश भी करनी चाहिए जो हम इनसे करवाते हैं। अख्तर बट इट लुक सो ऑड, लेकिन ये बहुत अजीब सा दिख रहा है मुझे अजीब सा लगता है जब मैं सफाई कर रहा होता हूं। तो अंकल इनायत उनसे कहते हैं बिल्कुल आप सही कह रहे, आजकल हम इन्हीं चीजों में शर्मिंदगी महसूस कर रहे होते, क्यों? क्योंकि हमने अपने नबी के, अपने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तालीमात थी उनको हम भूल चुके हैं। वी हैव फॉरगॉटन द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, द एक्शन डन बाय हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो खुद अपने घर की सफाई करते थे और वो कभी भी किसी से वो काम नहीं करवाते थे जो वो खुद नहीं करते।
और हमेशा जो दूसरों से काम करवाते थे वो खुद भी करते थे। वो हमारे लिए एग्जाम्पल थे और वो अपने लिए काम को खुद करना पसंद करते थे और वो दूसरों के लिए भी काम करते थे। वो अपने शूज़ खुद रिपेयर करते, जब कोई शूज़ पट जाता वो खुद रिपेयर करते, अपने कपड़े खुद धोते, अपने घर में झाड़ू खुद लगाते। जब मदीना में एक मस्जिद की तामीर हो रही थी तो वो अपने शोल्डर पर, कंधों पर मिट्टी रख के मस्जिद मदीना, जो मदीना में मस्जिद बन रही थी उसकी तामीर के लिए वो खुद मिट्टी लाते थे। और जब खंदक की खुदाई हो रही थी, जब बैटल ऑफ खंदक था, गज़वा खंदक था, तो उसमें भी खंदक खोदने में भी उन्होंने मदद की थी, अपना काम खुद करते थे। ये तो आज हम इतने हो गए कि जो काम, क्योंकि हम अपने इस्लाम जो टीचिंग थे उनको भूल चुके। रुखसाना यहाँ पर छलांग लगाती और वो कहती है कि क्या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कंपेनियंस थे, हम राह थे, हम सफ़र थे, सहाबा थे, वो भी उनकी तरह थे। तो अखनायत बड़ा ही शानदार रिप्लाई देते हैं। वो कहते नुकसाना, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिर्फ अपने लिए नहीं काम करते, वो दूसरों के लिए जाके पानी भी लेकर आते थे, बेवाओं की खिदमत करते, बेवाओं के लिए भी वो पानी लेकर आते थे। ये नहीं है सिर्फ अपने लिए पानी लेकर आए बस, जो उनके पड़ोसी होते थे, जो बेवाएं होती थी उनके लिए भी वो खिदमत करते, पानी लेकर आते। वो ऐसे लोग थे। और उन लोगों के लिए जो बीमार थे या जो ओल्ड एज के लोग थे, उनके लिए भी वो पानी लेकर आते थे। वो ऐसे नहीं थे। वो हुक्मरान थे, लेकिन तब भी उन्होंने दूसरों की खिदमत की। खलीफा हारून रशीद की कहानी देखो, भेस बदल के लोगों के मसले हल करते थे, हमारे यहां तो उल्टा चल रहे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने कंधे पर आटे की बोरियां रख के दूसरों तक पहुंचाते थे, गरीबों के लिए, जो नीडी थे, जरूरतमंद थे, डिजर्विंग थे, उनके लिए वो आटा लेकर आते थे। वक्त के बादशाह, वक्त के हुक्मरान, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। देर वर द पीपल वर सर्विंग द पीपल। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक यहूदी के बाग में काम करते थे और वहाँ से जो पैसा मिलता वो अल्लाह की राह में देते, वो गरीबों को देते। नुकसाना ये सुन के और अख्तर सुन के थोड़ा सा हो जाते कि यस, शर्म की बात नहीं है। रुखसाना पूछती है कि मुझे यकीन है कि हमारे हिस्ट्री में भी हमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, हमारे यहाँ भी ऐसे लोग होंगे जो खदमत कर रहे होते। ठीक कहती हूँ रुखसाना। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आटा खुद गूंथती थी, पानी खुद जाकर लेकर आती। आज भी गांव में ऐसी जगह जा पर औरतें खुद जाके पानी लेकर आती है, अपने घर की सफाई खुद कर दी। ये नहीं है कि वक्त की बादशाह या वक्त के हुक्मरान की बेटी है। फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिसको जन्नत का सरदार कहा गया है, वो अपने घर में खुद झाड़ू लगाती है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सबसे लाडली बेटी, वो खातमुन नबीयीन, अंबिया के सरदार, रहमतुल लिल आलमीन की बेटी, उसने अपने लिए नौकर नहीं रखा। तो हमारे यहां उल्टा चलता है। इतना सा आदमी नहीं होगा साथ में चार नौकर रखे हुए। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपनी बेगम के लिए नौकर रखना रिफ्यूज कर दिए, इनकार कर दिए। क्यों रखूं भाई, खुद काम करेगी अपना। खलीफा मामून रशीद के घर अगर कोई मेहमान आता खलीफा वक्त का, वो खुद टेबल पर जाकर उन मेहमानों को सर्व करते थे।
सुल्तान नसीरुद्दीन टोपिया बना के उनको बेच के पैसा कमाते थे और वो उससे गुजारा करते थे। इंपीरियर औरंगजेब वो कुरान लिखते और अपनी रोजी रोटी कमाते थे। अख्तर कहता है बड़ंगल दीज ऑल आर द स्टोरीज ऑफ पास्ट, ये तो माजी की कहानियां है, अब कौन इतना करता है। साने कहती है ये पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की कहानियां नहीं है, ये असल कहानी है। रिसेंटली मैंने एक न्यूज़पेपर पढ़ा और उसमें मैंने देखा कि एक बिजनेस टाइकोन, तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसके पास नौकर चाकर नहीं है, ही डजंट हैव एनी सर्वेंट, नहीं है, वो अपना सारे काम खुद करता है। ये प्रेजेंट में भी मौजूद है अख्तर भाई, प्रेजेंट में भी है। अंकल कहते हैं नहीं, ये पास्ट की कहानियां नहीं है। अभी भी अगर आप एडवांस कंट्रीज को देखते हैं, वहां पर लोग मिलके काम करते, इवन के चाइना को देखो, उनका प्राइम मिनिस्टर भी खुद काम करता है, क्योंकि वो जानते हैं काम की अजमत को। हमारे यहां जहां पर दो मजदूर लगते वहां पर हम 10 लगाते, जहां पर चार लोगों की जरूरत होती हमारे सरकारी इदारों में 10-10 बैठे हुए। तो अंकल अख्तर कहते हैं, अंकल इनायत कहते हैं कि ये प्रेजेंट और पास्ट की कहानियां नहीं है, हम काम की अजमत को भूल गए, वो काम की अजमत को जानते हैं, इसीलिए उनको पता है कि हम कोई भी काम करेंगे तो खुद करेंगे। चाइना का प्राइम मिनिस्टर आज भी खेतों में, उनके साल में एक दिन ऐसा होता है जो वो खेतों में जाते हैं और वहां पर वो सारे मिलके काम करते, ताकि वो भी जान सके कि जो हमारे मजदूर तबका, जो हमारा किसान तबका, जो इस तपती हुई सूरज में काम करते तो वो कैसे करते। यहां तक के प्राइम मिनिस्टर और उसकी बेगम भी जाती है और खेतों में वो किसानों के साथ हाथ रख के और वो किसानों के साथ काम कर रहे होते, और वो ये समझते कि हर बंदे को काम करना चाहिए, इसलिए तो वो इतने कामयाब है। अख्तर कहते वेल चाइना इज अ डिफरेंट कंट्री, चाइना तो अलग ही मुल्क है ना। एग्रीड, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, बट व्हाट अबाउट द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बारे में क्या कहेंगे। रिसेंटली अख्तर में वहां गया, वहां का एक ऑफिशियल था, मैं उससे मिला, उसका बेटा सुबह उठते और वो अखबार हाथ में लेकर भेज रहा होता है। मैं उसके अबू से पूछता हूँ ऐसा क्यों है, आप तो ऑफिशियल है, हाई ऑफिशियल है, इतना बड़ा होते आपके पास, पैसे की कमी नहीं है, आपका बेटा न्यूज़पेपर बेचता है। तो उसने कहा देर इज नथिंग एल्स, जस्ट ही वॉन्ट्स टू बी इंडिपेंडेंट, कुछ भी नहीं है, ये जस्ट इंडिपेंडेंट होना चाहता है। और अख्तर तुम एक बात बताओ, एक दिन उसका बेटा बीमार हो गया, उसका अब्बू आया न्यूज़पेपर लिए और खुद जाके जिन लोगों को न्यूज़पेपर बेचता था उनको न्यूज़पेपर बेच के आया। दे नो द डिग्निटी ऑफ वर्क। और एक दफा सदर के बेटे ने एक होटल में ये जो वाइटनिंग का काम होता है ये करना शुरू कर दिया। रुखसाना, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंस्पायरिंग, बहुत इंस्पायरिंग है, मुतासिर कौन कहानियां है। अंकल कहता है हमारे जो एडवांस कंट्रीज है उसमें कहीं भी ये नहीं है कि आप ये कमतर काम करें, देर इज नो सुपीरियरिटी ओवर समवन एल्स। हर बंदा एक दूसरे के काम को सराहता है, हर बंदे एक दूसरे के काम को अप्रिशिएट करता है और किसी को भी तफर्रुक की निगाहों से नहीं देखा जाता। There is no discrimination. You're dancing, you're running for yourself. They will respect your profession. There is respect for your profession. और वो आपको अच्छा ट्रीट करते हैं। हमारे यहां बंगी को सिचुएशन इज गोइंग वेरी डेंजरस। अख्तर कहते थैंक यू सो मच अंकल, आपने हमेशा हमें इंटरेस्टिंग स्टोरीज बताई, हमें मोटिवेट किया और ये जो आज आपने हमें समझाया कि सफाई करना कोई बुरी बात नहीं है, आई विल ऑलवेज कीप इन माइंड कि सफाई कोई बुरी बात नहीं है, एंड आई विल ऑलवेज क्लीन माई क्लासरूम्स, डस्टबिन, इसमें मैं कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं करूँगा, एंड आई विल मोटिवेट अदर पीपल टू डू द सेम वर्क जो वो दूसरों से करना चाहते हैं। और आज के बाद मेरे ज़िंदगी का मकसद ही यही होगा कि मैं दूसरों को मोटिवेट करूं और अपने वो काम जो मेरे हैं वो मैं खुद करूं
और वो काम जो मैं किसी और से करवाना चाहता हूँ, मुझ में इतनी हिम्मत हो कि वो काम मैं खुद भी कर सकूँ। काम की अजमत को जानो मेरे भाइयों। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिग्निटी ऑफ वर्क। काम की अजमत बड़ी ज़रूरी है। हमारे यहाँ तकरीबन 50% से अबव ऐसे है, ऐसे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, उनको काम मिलता नहीं, और कुछ काम ऐसे जिनमें वो शर्मिंदगी महसूस कर रही हो। मैं कहता हूं मेरा बस चले, मैं चाय का ठेला कहीं लगाऊं, देयर इज नो शेम। आपने अपना माइंड काम करने वाला बनाना है। आप एक ऐसे बंदे जो बाहर कुछ अदना सा चीज भेज रहे हो, उसका बिजनेस 230 रुपए का ही क्यों ना हो, एक लीटर पेट्रोल की कीमत, आपने तब भी उसकी काम की इज्जत करनी है, हकारत की निगाह से नहीं देखना। जब आप काम की अजमत को जानते हो, आप ये नहीं कहते ये छोटा काम है ये बड़ा काम है, गो यू डू इट। और जिस दिन तुम इस कामों को कहते हो कि ये तो छोटा है ये बड़ा है, इसमें शर्मिंदगी है, इसमें ये, सो इफ यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिग्निटी ऑफ वर्क। काम की अजमत क्या है? जब आपको काम की अजमत का पता चल जाए, आप किसी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझेंगे। एक मशहूर शख्स ने कहा था, कोई काम छोटा नहीं होता। आसिफ पापड़ वाला पापड़ बेचता था, वो जो गोल पापड़ आता है, उसका नाम सिर्फ YouTube पे सर्च करो, हैरान रह जाओगे। और ये सब कुछ तब होगा व्हेन यू नो द डिग्निटी ऑफ वर्क। आपने काम की अजमत को जानना है। कभी कभार अपने घर की सफाई खुद कर लिया करो, कपड़े अपने खुद इस्त्री कर लिया करो, खाना खुद पकाया करो, देन यू विल नो द इंपॉर्टेंस एंड डिग्निटी ऑफ वर्क। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।